भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम। एथी उपस्थित समस्त मान्य गण्य व्यक्ति नकु मोर नमस्कार। तुलसी क्षेत्र के श्री बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त उड़ीसा के केंद्र पाड़ा की जनता का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित यूनियन मिनिस्टर श्री देवू सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र पाड़ा से हमारे लोकप्रिय लोकसभा के पार्लियामेंट्री असेंबली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के हमारे प्रत्याशी सम्मान्य श्री वैजयंत पांडा जी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी गण श्री सुमंत कुमार गौड़ई जी, अरविंदम राय जी, गीतांजला सेठी जी, ललित बेहरा जी, कृष्णचंद पांडा जी, दुर्गा प्रसन्न नायक जी, तेजेश्वर परिदा जी, राम नारायण मोहंते जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कटक के, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं केंद्र पाड़ा के जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का उत्तर प्रदेश की धरती से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। और मुझे अच्छा लगा कि भगवान जगन्नाथ की ये पावन धरा, जिसे हम सब का पावन तीर्थ होने का हम सबको गौरव है, इस पावन धरा को और बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा कि यहां के शासन प्रशासन की तमाम बाधाओं को तोड़ करके श्री बैजंत पांडा जी के समर्थन में आप इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल मेरे आने के पहले बुलडोजर यहां पहुंच गया है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे अपील करने के लिए आया हूं, और अपील इस बात को करने के लिए आया हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रशासनिक तंत्र अगर शासन को चलाने लगता है तो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तानाशाही बढ़ती है, गरीबों का शोषण होता है, माफिया राज पनपता है। और पिछले 20-25 वर्षों में उड़ीसा के अंदर इस प्रशासनिक तंत्र ने यहां की सरकार को अपने घेरे में लेकर के उड़ीसा के मेरे सभी सज्जन बहन और भाइयों को विकास की पटरी से 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है।
बहनों और भाइयों, आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक अवसर है। डबल इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में लाने के लिए बैजेंद्र पांडा जैसे सुयोग्य लोगों को चुनाव जिता करके भेज करके सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करवाने के लिए, पील करने के लिए ही मैं आज आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं, पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और बहनों और भाइयों, अब तो कहीं पर कोई पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उसे मालूम है समय रहते सफाई दो और अपनी जान बचाओ, नहीं तो एयर स्ट्राइक की तैयारी के लिए आतंकवादी कहीं भी छुपे होंगे, भारत के बहादुर जवान उसे निकाल ला करके उसका काम तमाम कर देंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, हाईवे 4 लेन 6 लेन 12 लेन के एक्सप्रेसवे और 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं। रेलवे का अत्याधुनिकरण मॉडल अब मीटर गेज से उबड़ करके बुलेट ट्रेन के रूप में, कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं नमो भारत के रूप में, हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। बहनों और भाइयों, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक लंबा अच्छा ढांचा भारत के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा एयर कनेक्टिविटी को कितना बेहतर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश की आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट भारत के अंदर बने थे, 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बने हैं। एक तरफ हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, मेट्रो जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं जनता जनार्दन के लिए तैयार है, वहीं दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जिस तेजी के साथ भारत के अंदर लागू किया गया है, वह बहनों और भाइयों आपके सामने है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और आश्चर्य है कि राशन भेजते मोदी जी हैं और यहां नवीन पटनायक के नौकर साहब उस पर अपना नाम चस्पा करते हैं। पैसा दिल्ली से आता है लेकिन यहां की सरकार गुमराह करती है। याद करिए बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन उड़ीसा के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा नवीन पटनायक सरकार ने लागू नहीं होने दी, क्योंकि यहां पर तमिल बाबू उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि अगर लागू करवा देंगे तो कमीशनबाजी बंद हो जाएगी।
बहनों और भाइयों, यही नहीं, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जो कभी कांग्रेस कहती थी ना, एक प्रधानमंत्री कांग्रेस की समय में हुए थे, उन्होंने कहा था 100 पैसा बेचता हूं जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। मोदी जी ने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से और डीबीटी के माध्यम से आज यह सुनिश्चित कर दिया है कि दिल्ली से चलने वाला 100 रुपया वह गरीब के खाते में जाएगा। मध्यस्थता समाप्त, बीच में कोई नहीं आपके पैसे में कोई टकैती डाल पाएगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, हर गरीब के घर में शौचालय, और देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का एलपीजी का कनेक्शन भी प्राप्त हुआ है। यही नहीं, आज तो पीएम आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को मकान मिल गए हैं। मोदी जी ने कहा है अगले 5 वर्ष में जितने भी बचे होंगे उनको भी एक एक आवास की सुविधा प्रदान करेंगे, सभी को आच्छादित करेंगे, 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हर घर नल की योजना लागू करेंगे, नल में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहां पे तो आश्चर्य होता है, नवीन बाबू पता नहीं इस उम्र में क्या कर रहे हैं, कैसे उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यहां पर स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारों को यह सरकार प्रश्रय देती है, तुष्टीकरण के हथपार करती है, और आज यहां पे जो नौकर सहाल हावी है उन लोगों ने लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, कोल माफिया को, माइनिंग माफिया को प्रश्रय दे करके उड़ीसा के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का भी कार्य कर रहे हैं, उड़ीसा के संसाधनों को लुटवाने का काम कर रहे हैं। बहन और भाइयों, यही नहीं, मुझे आश्चर्य होता है यहां पे जो पावर जनरेट होती है उड़ीसा को महंगे दाम पर दी जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों को सस्ते दाम पर दी जाती है, क्या अराजकता है। ये अराजकता इसलिए क्योंकि नवीन बाबू इन नौकरशाही के चक्कर में पड़ गए हैं और उनको इन लोगों के द्वारा गुमराह किया जाता है। इसलिए बहनों और भाइयों, आपने इतना लंबा समय नवीन पटनायक जी को दिया है, लेकिन इससे उड़ीसा विकास नहीं कर पाया। बहनों और भाइयों, आज आप यूपी को देखिए, यूपी 2017 के पहले इसी प्रकार के माफियाओं के शिकंजे में था, कहीं लैंड माफिया था, कहीं पर कैटल माफिया था, कहीं पर माइनिंग माफिया था, कहीं सैंड माफिया था। आज यूपी के अंदर सभी माफिया को हमने उल्टा टांग करके उनकी राम नाम सत्य है की यात्रा निकाल दी है। माफिया ने जितनी संपत्ति अर्जित की थी उस संपत्ति को हमने सरकार के कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए आवास बनाने का काम, महिलाओं को महिला संरक्षण का काम, कहीं पे चिकित्सालय, कहीं पे विद्यालय, ये बनाने के काम किए हैं। और अगर हमने देखा कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए माफिया खतरा बना है, तो फिर बुलडोजर का बेहतर इस्तेमाल करके उसको जहन्नुम में पहुंचाने का काम भी किया है। बहन और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर यह बुलडोजर सुशासन का प्रतीक बना है और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक बना है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश सुशासन का और सुरक्षा का एक मॉडल खड़ा कर चुका है। रेवन्यू सरप्लस स्टेट है, 25 करोड़ की आबादी है और खुशहाल जीवन जी रही है, सुरक्षित भी है,
देश के अंदर सबसे अच्छा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी वहां पे आ रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार का लाभ ऐसे प्राप्त होता है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं। अरे आप तो केंद्रपाड़ा वाले, आप तो सौभाग्यशाली हैं, आपको बैजयंत पांडा जैसा नेता यहां पर मिला है। मैं तो सोचता था कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वे उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता को उनको नेतृत्व मिलेगा, लेकिन उनको अभी इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी कि सरकार ने भारत भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा, नहीं नहीं उड़ीसा में आपकी आवश्यकता है। केंद्रपाड़ा की जनता पुकार रही है कि बैजयंत पांडा हमारे बीच में आकर के अपने विजन के अनुरूप विकास का एक बेहतरीन मॉडल उड़ीसा को उपलब्ध करवाएं। और बहनों और भाइयों, उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने बहुत कम दिन उनको मिले थे काम करने का, लेकिन वहां पे संगठन के साथ मिलकर के एक बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया और मुझे लगता है आज उसी के लिए आपको धन्यवाद देने के लिए मैं आया हूं। बैजयंत पांडा उड़ीसा ने पैदा किया है, उड़ीसा की देन है, जिसके कारण आज जब वे पार्लियामेंट में बोलते हैं, आज जब वो देश के अंदर किसी राज्य में जाकर के बोलते हैं तो उड़ीसा का नाम होता है, उड़ीसा का सम्मान होता है, उड़ीसा के बारे में लोगों की अच्छी धारणा बनती है। एक तरफ बहनों और भाइयों, आपके उड़ीसा के सपूत, उड़ीसा के स्वाभिमान और सम्मान के प्रतीक, उड़ीसा की अस्मिता को आगे बढ़ाने वाले, उड़ीसा के विकास के लिए प्राण प्रण से जुट करके नवीन पटनायक सरकार की अराजकता और तानाशाही के खिलाफ डट करके लड़ने वाले बैजयंत पांडा हैं, और दूसरे तरफ उड़ीसा की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले ये तमिल बाबू हैं, जो बहनों और भाइयों, जिनका उद्देश्य विकास नहीं उड़ीसा को पछाड़ना उड़ीसा को आगे नहीं बढ़ाना है। ये जो तमिल बाबू है ना, ये तो वो घुसपैठ करवाएंगे, यहां बांग्लादेशी घुसपैठी आएंगे, यहां पे धर्मांतरण की मतांतरण की गतिविधियां बढ़ेंगी, अराजकता बढ़ेगी, और फिर ऐसे ही किसी स्वामी लक्ष्मणानंद को असमय इनका शिकार होना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, ये स्थिति ना आने पाए, इनकी नीतियां नक्सलवाद और आतंकवाद को बढ़ाने वाली है, अराजकता को बढ़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की नीति विकास और सुशासन का मॉडल है, और सुशासन और विरासत और विकास का जो मॉडल है वह देखना है। तो मैं आपसे कहूंगा, इलेक्शन के बाद एक बार बैजयंत जी के साथ यहां पे असेंबली के जो हमारे कैंडिडेट हैं इनको जिता करके एक बार भेजिए, और मैं इनसे सबसे कहूंगा एक बार केंद्रपाड़ा और भगवान बलदेव जी की इस मंदिर के पावन धरा की जनता जनार्दन को लेकर के काशी अयोध्या और मथुरा का दर्शन करने के लिए आप आइए। आज आप काशी आएंगे बहनों और भाइयों, आज आप काशी आएंगे ना, तो काशी में आपको एक नई काशी दिखाई देगी, एक नई काशी। मोदी जी के नेतृत्व में काशी का कायाकल्प हुआ है, और आज आप अयोध्या आएंगे, आपको लगेगा कि प्रभु राम साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं, अयोध्या में ये देखने को मिलेगा। आप मथुरा में आएंगे तो आपको लगेगा कि भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र जी, माता सुभद्रा तो जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं, लेकिन आशीर्वाद मथुरा में प्राप्त हो रहा है, देखेंगे आप तो क्या भाव आपको देखने को मिलेगा। ये है कायाकल्प, और उसी के लिए आज हम आपके पास आए हैं।
वोट आपका है। बहनों और भाइयों, देश आपका है, चुनाव भी आपका है, भविष्य भी आपका है, देश भी और प्रदेश उड़ीसा भी आपका है, फैसला भी आपका है और एक वोट भी आपका है। आपका एक वोट उड़ीसा और भारत की तस्वीर और तकदीर को बदल देगा। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं बहनों और भाइयों। 5 चरणों के चुनाव में देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं एक बात कह सकता हूं, एक ही नारा गूंज रहा है पूरे देश के अंदर, एक स्वर में लोग बोल रहे हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार। तो 400 पार में केंद्र पाड़ा भी होना चाहिए, एक तो मैं अपील करने के लिए आया हूं। दूसरा है, जब नवीन बाबू 400 पार का नारा सुनते हैं तो पूछते हैं ये 400 कैसे, तो हम कहते हैं भाई आप तो 21 में ही लड़ पा रहे हैं तो आप तो सरकार बना नहीं पाएंगे, तो आप लड़के करेंगे क्या भाई, आप तो लड़ नहीं पाएंगे, सरकार बना नहीं पाएंगे तो लड़के करेंगे क्या। और इसलिए बहनों और भाइयों, इन लोगों को सबको इस बात के लिए चक्कर आता है, इनका दिमाग घूमता है, 400 बीजेपी 400 पार करेगी। हमने कहा 400 पार, जनता जनार्दन कहती है 400 पार, वो कैसी है कैसे, तो जनता जनार्दन की ओर से यही आवाज निकलती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जनता जनार्दन की ओर से यही आवाज आती है कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, और नरेंद्र मोदी जी परम राम भक्त। और जनता जनार्दन कहती है कि हम वोट इसलिए बीजेपी को कमल चुनाव चिन्ह पर, पद्म पर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और उड़ीसा में भी कमल खिलाएंगे ना। केंद्र पाड़ा से श्री विजेंद्र पांडा जी भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे ना, साथ साथ असेंबली के जो हमारे प्रत्याशी हैं श्री सुमंत कुमार गड़ई, अरविंदम रॉय, दूसरी गीतांजलि सेठी, श्री ललित बेहरा, श्री कृष्णचंद्र पांडा, श्री दुर्गा प्रसन्ना नायक, श्री तेजेश्वर परीदा, ये सभी प्रत्याशी विजयी बनकर के जाएंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके थोड़ा मुझे आश्वस्त करिए, मोदी जी तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, दिल्ली तक और भुवनेश्वर तक आपकी आवाज पहुंचनी चाहिए, पहुंचेंगे, विजयी बनकर के जाएंगे तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय श्री राम, जै श्री राम।